क्या बनाऊँ पता है आपको? लगा मैं प्रोटीन बनाऊँ प्रोटीन शेकर में, जी नहीं, यहाँ पे मैं बनाऊँ एक बहुत ही मस्त ड्रिंक जिसको पीने के बाद गर्मी में आहा मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे है इस प्रोटीन शेकर में मैं बना रहा हूँ चमन ठंडाई। जी हाँ, चमन ठंडाई बहुत ही पुराना ब्रांड है, बहुत ही फेमस है, लेकिन आज मैं पहली बार चमन ठंडाई ट्राई करूँ। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ करना ये है कि 200 ml दूध में हमें 20 ग्राम चमन ठंडाई का पाउडर डालना है, क्योंकि आपके आसपास के किसी भी स्टोर में मिल जाएगा, और बस सेक करो, बर्फ डालो और आपका चमन ठंडाई तुरंत बन के तैयार। आप लोग चाहे मिक्सी में सेक करें या फिर किसी बोतल में सेक करें, इससे ज़्यादा आसान ठंडाई कहाँ पर बन पाएगी भाई। वाह भाई वाह। तो भाई ये है थिंग्स नेवर ट्राइड का पार्ट 3, और यहाँ पे हमारी ठंडाई बनके तैयार है, और मैं ऐसे कैसे के बताता हूँ। पहली बार चमन ठंडाई, एक शब्द, बहुत मस्त, आप लोग भी जरूर से ट्राई करना, इतना आसान। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी मिल रहे हैं मुझे, चीनी भी नहीं डालना पड़ा, सब कुछ तैयार है, गजब भाई। वीडियो का कुछ भी नया ढूंढते ढूंढते मैं उठा लिया ये मैकविटीज का डार्क चॉकलेट ऑरेंज क्रीम बिस्किट। भाई ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार खाने भी जा रहा हूँ ये वाला बिस्किट, और ओरियो जैसा ही है लेकिन इसकी क्रीम थोड़ी सी ऑरेंज जी सर की, ऑरेंज फ्लेवर का बिस्किट है, खा के देखते हैं। सर बताऊँ, मैं ओरियो खा के उब चुका हूँ, तो ये बिस्किट मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास गुड्डे का हार्मोनी हेजलनट काजू आलमंड पिस्ताचू, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। इससे बनने वाले हाँ है गुड्डे काजू, गुड्डे बटर, गुड्डे पिस्ता बादाम, लेकिन ये एकदम नया गुड्डे है। गुड्डे कब लाए हो हमें बताया भी नहीं, मतलब ये तो गलत बात है, बिस्कुट ले आते हो कंपनी, हमको पता भी नहीं चलता, वो तो मैं वीडियो के चक्कर में खोज रहा हूँ तो मुझे मिल गया। ओके, तो 15 रुपये के अंदर हमें मिले हैं 3, 3, 6, 7 बिस्किट, और ये हेजलनट क्या है, कहीं हमें हेजलनट तो नहीं दिख रहा इसके अंदर, देख तो नॉर्मल गुड्डे जैसा ही रहा। भाई टेस्ट अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बस यही कहूँगा अच्छा है, और कुछ ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि नॉर्मल टेस्ट ही लग रहा है बाकी गुड्डे जैसा ही। और इसके अलावा आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाए जो आपने देखी है, भाई फ़ोटो इंस्टाग्राम भेजो, मैं उसे भी खरीद कर लाऊँगा और सबको दिखाऊँगा, और बाकी लोग भी जाने कि दुनिया में ये सब चीज़ें भी आ गई हैं, पर क्या करना, अच्छा ठीक है भाई। कॉफ़ी फ्लेवर की बहुत सारी चीज़ें हमने खाई होंगी, पी होंगी, लेकिन भाई मुझे नहीं पता कि ब्रिटानिया कॉफ़ी के बिस्किट भी लाएगा, तो यहाँ पर है ब्रिटानिया बिस्कैफे कॉफ़ी फ्लेवर्ड बिस्किट, रिफ्रेशिंग सुपर थिन कॉफ़ी क्रैकर्स। तो ओपन करते देखते हैं कि कॉफ़ी वाला बिस्किट कैसा होगा आखिरकार। भाई स्मेल तो शायद ही सभी लोग को पसंद है, क्योंकि कॉफ़ी जैसी स्मेल है, एक ऐसी स्मेल है जिसको सूंघ के मज़ा आ जाए, मतलब समझ लो। स्वाद भी ठीक है, इसका बिस्कुट बना के सही नहीं किया, मज़ा नहीं आया। ठीक है, खा लेंगे, खा सब लेंगे, लेकिन मज़ा नहीं आया। भाई सनफीस के माउथ मैजिक तो मैंने खाए हैं पहले, लेकिन ये वाला फ्लेवर फ्रूट एंड मिल्क एकदम पहली बार मुझे मिला है। देखते हैं ये वाला माउथ मैजिक कैसा है। ओके, ओह यहाँ पर तो ऐसा लगा कि किसी ने अंगूर काट के घुसा दिया हो, कितने बड़े बड़े फ्रूट्स हैं इसके अंदर। क्या स्ट्रॉबेरी है? ये अच्छा है, खाओ, ये बिस्कुट सच में ट्राई करने लायक है, कॉफ़ी वाले से तो बहुत अच्छा है, जरूर से ट्राई करना, मज़ा आ। भाई चाय तो आपने बाहर बहुत जाके पियूंगी, और आप चाय के शौकीन तो होंगे, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो भाई ये वाली चाय जरूर से ट्राई करना। ये है चाय जैप की डेली इंस्टेंट टी, और यहाँ पे मेरे पास 3 फ्लेवर्स हैं, इंस्टेंट इलायची टी, इंस्टेंट मसाला चाय, इंस्टेंट अदरक चाय, और यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ इंस्टेंट इलायची टी, क्योंकि मुझे इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। देखते हैं इनकी ये वाली चाय कैसी होगी, और मैं आपको बता दूँ ये दोनों चाय मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, ये दोनों
सच में बहुत ही ज़्यादा मस्त हैं। लेकिन ये वाली नहीं ट्राई किया है तो ये है आज के इस वीडियो के लिए हमारे लिए एक यूनिक प्रोडक्ट। आपने ट्राई किया है नहीं कमेंट में जरूर से बताना। कैंची से काटो, गिलास में उड़ेलो और डालो इसमें उबलता हुआ पानी 150 ml, और यहाँ पे बस चम्मच से इसे घोल दो और हमारी गर्मा गर्म इलायची चाय बन के तैयार कुछ ही सेकेंड्स में। और बात करें इसके स्मेल की, मज़ा आ गया। सही में पियोगे ना याद करोगे दिन में 200 बार। गर्म बहुत है। मुझे लगता है जो मैंने लखनऊ की फेमस चाय पी होगी उससे भी ज़्यादा अच्छी ये चाय है। लेकिन चाय के साथ कुछ बिस्किट भी चाहिए, एकदम इंटरेस्टिंग बिस्किट जो कि हमने और आपने कभी देखे ना हो, तो यहाँ पे मेरे पास हैं ब्रिटानिया के 3 अलग अलग बिस्किट जो कि मैंने पहले कभी भी नहीं देखे। एकदम इंटरेस्टिंग बिस्किट हैं, जैसे कि ब्रिटानिया यूनाइटेड चॉइस ओट्स मिल्क एंड आलमंड। तो ओट्स का बिस्किट है भाई 25 रुपये का 100 ग्राम। और यहाँ पर हमारे पास हैं न्यूट्री चॉइस सीड्स, यानी कि इसके अंदर हैं कुछ पौष्टिक लाभदायक और मतलब आयुर्वेदिक जो भी बोल लो बिया। कौन से बिया? सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इनको बिस्किट में घुसा दिया गया है, मुझे नहीं पता क्यों। शायद बिस्किट भी नहीं रहे होंगे कई लोगों ने बिस्किट में ये चीज़ें घुसा दी। और यहाँ पे तीसरा जो बिस्किट है न्यूट्री चॉइस हर्ब्स, हर्ब्स जड़ी बूटियाँ घुसा दी गई बिस्किट में, मतलब हद पार है। इसके अंदर अश्वगंधा है, हल्दी है, तुलसी है, ग्लो है, आंवला है। 30 रुपये का 100 ग्राम ये आयुर्वेदिक बिस्किट है भाई। अब क्या क्या आने लगा, आयुर्वेदिक मंजन आते थे, आयुर्वेदिक बिस्किट भी आने लगा भाई ब्रिटानिया की तरफ से। चलो देखते हैं खा के खाने में कैसे लगते हैं। सबसे पहले न्यूट्री चॉइस सीड्स, ओफो यहाँ पे हमें साफ साफ बिया दिख रहे हैं। वाह भाई कई सारी बिया हैं। चिया सीड तो समझ में आ गया, बाकी के बिया समझ में नहीं आ गए। यहाँ इसमें सूंघने में आम की स्मेल आ रही है, पता नहीं क्यों। इसका टेस्ट बताना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन खाने में बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, चाहे जितनी आयुर्वेदिक बिया पड़े हों। लो आप बगला टेस्ट करते हैं, ओट्स मिल्क एंड आमंड। ये पंजे क्यों बना दिए गए इसके अंदर, बादाम तो दिख रहे हैं साफ साफ हमें इस बिस्किट में, खुशबू भी सही है। अच्छे हैं यार, ये भी अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं टेस्ट वाइज। खाने में आप बिल्कुल खा लेंगे, आराम से खा लेंगे, कोई शिकायत नहीं, मज़ा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ओट्स वाले से अच्छा ये बीज वाले बिस्किट थे, ये ज़्यादा टेस्टी हैं। अब हॉप फॉप का काम, गोबर के कंडे पास दिए किसी ने, मेरे को जो समझ में नहीं आ रहा। आयुर्वेदिक दिखाने के लिए यहाँ पे 5 होल क्यों बना दिए गए हैं, 2, 3, 4, 5 सभी में यही हाल है। ये तो बिल्कुल ही आयुर्वेदिक लग रहा है, कलर सही सही है, खा लेंगे। सबसे पहले नंबर पे सीड्स वाले, सेकंड नंबर पे इनका टेस्ट, और लास्ट नंबर पे ओट्स वालों का टेस्ट। बिस्कुट तीनों के तीनों आप ट्राई कर सकते हैं। बट चाय कहाँ है मेरी भाई, आज की चीज़ें ट्राई करने में एकदम मज़ा ही आ गया। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं तो कमेंट में जरूर से बताना, हम लोग उनको भी लेके आएंगे, खरीद के आएंगे, टेस्ट करेंगे और ऐसे ही बनाते रहेंगे थिंग्स नेवर ट्राई के अगले पार्ट। और इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दो। तो इस वीडियो में बात सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, ओ तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज।